Hey guys, you are watching Sonia's Kitchen and More and welcome to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू और कुंदरू से बनी इतनी टेस्टी सब्जी के सभी इसे बहुत पसंद करेंगे. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू और कुंदरू की सूखी मसालेदार सब्जी जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है. आलू और कुंदरू की मसालेदार सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम कुंदरू लिए हैं जिनको मैंने इस तरीके से 4 पीसेस में कट कर लिया है. और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम साइज के आलू जिनको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है. और यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम प्याज जिनको मैंने इस तरीके से लंबा कट कर लिया है. इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 से 5 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आलू और कुंदरू की सब्जी बनाना. इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है. अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून सरसों का तेल. इस सब्जी का जो टेस्ट है वो सरसों के तेल में बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप इसे किसी भी तेल में बना सकते हैं. तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे. तेल जो है यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है. अब हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा और इसकी जो फ्लेम है हमें बिल्कुल लो रखनी है इस टाइम. और इसमें ऐड कर देंगे सरसों के दाने. जीरा और सरसों के दाने जो है वो भुन चुके हैं. अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च. इनको हम हल्का सा भून लेंगे. और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज. अदरक और लहसुन को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो फिर वो जल जाएंगे और फिर सब्जी में जला जला टेस्ट आएगा. प्याज को हमें यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनना है. प्याज को भूनने के लिए इसकी जो फ्लेम है वो लो मीडियम कर सकते हैं आप. प्याज जो है ये भून चुकी है. अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 चम्मच हल्दी और 1/4 टीस्पून हल्दी. इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ. अगर हम हल्दी को तेल में हल्का सा भून लेते हैं तो उससे जो सब्जी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है. प्याज जो है यहाँ पे भून चुकी है हमारी. अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुंदरू और इनको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे. सब्जी को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है. अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. इसको भी हम सब्जी के साथ मिक्स कर देंगे. नमक को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है. अब हम इसे लो फ्लेम पे लगभग 3 मिनट तक कवर करके पकाएंगे अच्छे से. सब्जी को पकते हुए यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं. एक बार हम इसे चेक कर लेंगे. सब्जी जो है ये लगभग पक चुकी है. अब हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर लेंगे. यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च. इनको हम सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे. सारे जो मसाले हैं ये सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं. अब हम इसे 1 मिनट के लिए कवर करके और पकाएंगे. इसको हम कवर कर देते हैं.
एक मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। आलू और कुंदरू की जो सब्जी है ये अच्छे से पक चुकी है। आलू जो है हमारे वो गल गए हैं और कुंदरू भी है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे। सो गाइस, तैयार है हमारी आलू और कुंदरू की मसालेदार सब्जी। इसको हम गार्निश कर देंगे बारीक कटे हुए हरे धनिये से। और इस सब्जी को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि सूखी है तो लीक नहीं होगी। और आप इसे दाल राइस के साथ बना सकते हैं, या पराठे, या फिर रोटी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी जो सब्जी है वो कैसी बनी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।